जय हिंद। तो एटलास पॉलिटेक्निक डी फार्म एडमिशन का जो इंट्रेंस टेस्ट 2022 में जो भी कैंडिडेट देते उसका जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया है। आप लोगों का अपना चेकआउट कर सकते कि अपना रैंक कितना में आया है। और 20 तारीख को यानी कि 20 सितंबर रात को ही आया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया, देखा नोटिफिकेशन क्या आ गया है। तो आज 21 सितंबर आप लोग नोटिस चेक करके आपका नाम जो है रैंक कार्ड नहीं दे बोल सकते, लेकिन लिस्ट से आपका नाम आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते। उसका हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते कि आपको चांस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, उसको देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। आने के बाद ऐप पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप ऊपर में, ऑल नोटिस। ऑल नोटिस पे सिंपली क्लिक कर देना है। और 20 तारीख को यहाँ पे देखिए 20 सितंबर को एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। रिजल्ट ऑफ फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स अंडर वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। मैंने एक बार डाउनलोड किया था, फिर से एक बार चलिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपके सामने। तो देखिए ये जो है पीडीएफ डाउनलोड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ओपन भी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन पीईटी, यानी कि जो एग्ज़ाम दिए थे, टेस्ट फिजिकल टेस्ट दिए थे आप लोग। ठीक है, फिजिकली जाके जो एग्ज़ाम दिए थे फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी एकेडमिक सेशन 2022-23। ठीक है, इसमें आपका नाम आया काउंसलिंग, मतलब एक काउंसलिंग का लिस्ट का नाम है आप लोगों का, कितना नंबर रैंक पे आपका नाम आया है। उसके बाद ये कॉम्बाइन लिस्ट दिया है। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आ जाएगा जल्द से जल्द। और काउंसलिंग का होगा क्या होगा उसके बारे में अभी तक नोटिस नहीं आया, जैसे आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपका मिला सकते हैं। अगर नाम एक होगा दो कैंडिडेट का तो एप्लीकेशन नंबर तो एक नहीं होगा ना। तो पहले एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, नाम देख लीजिए, आपका गार्जियन का नाम, आपका कास्ट कैटेगरी जो भी कास्ट अप्लाई किए थे, और आपका रैंक यहाँ पे देख सकते हैं। SC ST का रैंक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो पहले कैंडिडेट का नाम आया है साजिदुल हक SK संजुला। ठीक है, उसका फादर का नाम है और जनरल, और रैंक पे एक पे आया है। ठीक है, और ऐसा करके आप लोग नीचे तक जाएंगे तो 1263 PDF है यहाँ पे। ठीक है, SC ST कैंडिडेट का भी यहाँ पे जो है रैंक आया है उसका भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे तक अगर जाएंगे तो टोटल मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आया है। ये सीरियल नंबर है आपका रैंक का। ठीक है, तो एकदम मैं नीचे चला जाता हूँ डायरेक्ट से एकदम फटाफट से। अच्छा देखिए, तो 2942 कैंडिडेट का टोटल यहाँ पे जो है नाम आया है। ठीक है, और लास्ट कैंडिडेट का नाम देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, और जो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर आपका नाम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है क्या वगैरह डिटेल सारा कुछ ऑलरेडी वीडियो है, चैनल कॉम पेज में जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी लेटेस्ट अपडेट आने पर आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर कर दूंगा। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, मिलता है अगले वीडियो में। जैन फ्रेंड्स।